आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, देखिए हमें प्रश्न में दिया है द्रव्यमान M1 की एक समान छड़ को इसके ऊपरी सिरे से कब्जे से लटका दिया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। द्रव्यमान M2 का एक कण जो क्षैतिज रूप से गतिमान है, छड़ के मध्य बिंदु पर प्रत्यास्थ रूप से संघट करता है, टक्कर करता है। यदि कण टक्कर के बाद विरामावस्था में आ जाता है, तब M1 बटे M2 का मान क्या है? तो देखिए, ऐसा यहाँ पर एक कण है, टक्कर हो जाती है, ठीक है। हम मानते हैं टक्कर के बाद ये छड़ है, ये ओमेगा कोणीय वेग से घूमने लगता है, और ये जो कण है इसकी जो चाल है ये हमें पता है, ये क्या हो जाएगा, विरामावस्था में आ जाएगा। तो ये यहाँ पर रुक जाएगा, वी का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस बिंदु पर टक्कर होगा, बिल्कुल मध्य बिंदु पर, ठीक है। तो देखिए, अगर हम ऐसा बोलते हैं छड़ प्लस कण, इसको हम एक सिस्टम मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए इस पूरे सिस्टम पर अगर कोई बाहर से बल लगेगा तो बल लगेगा यहां से, इस कब्जे से, ठीक है। अगर यहां से बल लग रहा है, मतलब यहां से टॉर्क क्या रहेगा, इसके सापेक्ष जीरो रहेगा, और इसके सापेक्ष बल आघूर्ण, टॉर्क का मतलब बल आघूर्ण जीरो रहेगा, और बल आघूर्ण जीरो रहेगा इसका मतलब है आप कोणीय संवेग को संरक्षित कर सकते हैं। तो पहले जो कोणीय संवेग था वही बाद में कोणीय संवेग रहेगा, किस बिंदु के सापेक्ष, इस कब्जे के सापेक्ष, इसके सापेक्ष, ठीक है। तो इसके सापेक्ष पहले कोणीय वेग किसका था, सिर्फ M2 ये कण है ये गतिमान था, तो इसका कोणीय वेग क्या रहेगा, इसका कोणीय वेग हो जाएगा M2 V, और कितनी दूरी पर आ रहा था ये, अगर हम इसकी लंबाई ले लेते हैं L, छड़ की लंबाई, तो ये लंबाई कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी L बटे 2, तो कोणीय संवेग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा M2V L बटे 2, और छड़ का पहले क्या था, जीरो, छड़ विरामावस्था में था। अब क्या हो जाएगा, टक्कर के बाद, टक्कर के बाद कण विरामावस्था में आ गया, इसका मतलब इसका कोणीय संवेग जीरो, और छड़ है ये इस कब्जे के सापेक्ष ओमेगा से घूमने लग गया है, तो इसका कोणीय संवेग कितना हो जाएगा, आई ओमेगा, आई ये आ जाएगा हमारे पास एम एल स्क्वायर बटे 3, ये रहता है, ठीक, और ओमेगा यहाँ से, ठीक है। तो इधर तो आया है ये M1 मास है, M1, तो इधर तो आया है M2 वी एल बटे 2, और इधर आया है M1 एल स्क्वायर बटे 3 ओमेगा, ठीक है। तो एक L से एक L कट गया, और यहाँ से हमें मिलेगा M2 वी बटे 2 बराबर M1 ओमेगा L बटे 3। एक तो हमारे पास ये संबंध आ गया है, दूसरा टक्कर के लिए हम क्या लिखते हैं, ई टक्कर प्रत्यास्थता गुणांक, ये क्या रहता है, ये रहता है जिस वेग से ये अलग हो रहे हैं और जिस वेग से ये पास आ रहे थे, ठीक है। तो किस वेग से ये अलग हो रहे हैं, इस बिंदु का वेग कितना हो जाएगा, इस बिंदु का वेग हो जाएगा ओमेगा एल बटे 2 टक्कर के बाद, और कण का क्या हो गया, जीरो। तो किस वेग से अलग हो रहे हैं, ये अलग हो रहे हैं, इनका सापेक्ष वेग आ जाएगा टक्कर के बाद ओमेगा एल बटे 2 और कण का जीरो। कितने से आ रहा था कण इसकी तरफ, वी से चलते हुए आ रहा था, बटे यहां पर आ जाएगा नीचे वी, ठीक है। और ई का मान क्या है, ई का मान हमें दिया है टक्कर पूर्व तरीके से प्रत्यास्थ है, तो ई का मान 1 और ओमेगा एल बटे 2 वी, तो यहां से हमें मिल जाएगा ओमेगा एल किसके बराबर आएगा, 2 वी के बराबर आएगा। इसका मान हम उठाकर कहाँ पे रख सकते हैं, इसका मान हम यहाँ पे रख सकते हैं, तो यहाँ पे रख दीजिए आप। तो यहाँ क्या आया था, M2 V बटे 2 बराबर M1 ओमेगा एल, ओमेगा एल की जगह 2 वी रखिए, बटे 3, ठीक है। तो यहाँ वी से ये वी कट जाएगा, हमसे पूछा M1 बटे M2, तो M1 बटे M2 ये मान आ जाएगा हमारे पास 3/4, तो ये अपना उत्तर आ जाएगा 3/4, ठीक है। M1 बटे M2 ये जो हमें मान पूछा था, इसका उत्तर आ जाएगा 3/4। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।